बता दूं कि हम 2 घंटे तो बाहर फंसे रहे, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में ये पहला जलसा है कि जिसमें हम जलसा गाह पहुंच नहीं सके, तो और हम पिंडी के रहने वाले। यहाँ पर हम सुन रहे थे कि आपके घराने की बहुत सारी कुर्बानियां भी है प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए, तो जरा नाजरीन के साथ शेयर करें। हाँ जी, मेरे वालिद 71 में शहीद हुए और मैं उस वक्त 9 महीने का था, और उसके बाद मेरी वालदा ने मुझे पाला और बाकी ज़िंदगी ये, अब मैं जॉब करता हूँ। मेरे वालिद भी शहीद हैं और लेकिन मैं एक शहीद की बहू भी हूँ, और मैं ये बात कहना चाहूँगी कि पाक आर्मी हमारी स्ट्रेंथ है और पाक हमारी आर्मी हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है जी। और हम किसी सूरत में भी आर्मी के खिलाफ कोई बात ना करेंगे और ना हम कबूल करेंगे, ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि पूरी कौम भी इस सेंटिमेंट को रेजोनेट करे। आर्मी के हमारे ट्रूप्स बैठे हुए हैं, उनको प्लीज़ उनके जहन में रखें, उनके भी सेंटिमेंट्स हैं, उनका मोराल है। तो आप लोग अपनी आर्मी के साथ खड़े हों और ये मत भूलें कि कभी भी मुल्क को कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो हमारे साथ हमारी आर्मी खड़ी हुई है। पैगाम है कि जी उनके साथ हैं हम, अवाम उनके साथ है। आप देख लें अवाम का समंदर उनके लिए आ गया है, ठीक है जी। तो हम लोग नहीं हटेंगे, हम डटे हुए हैं। जिस तरह उनका जज्बा है वो हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, और हम रिलेंटलेस उनको हम सपोर्ट देंगे और हम उनको किसी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी नामंजूर है और ये गुलामी नामंजूर है हमारे लिए। अच्छा मैम, आपने ऑलरेडी यहाँ पे विजिट किया, सारी पब्लिक देखी, कितनी पब्लिक आई अंदाजन? क्योंकि जब आप अदर चैनल देखेंगे आपके जो कंपटीटर होंगे वो कहेंगे कि फ्लॉप जलसा है, तो ज़रा काइंडली बता दें कि आपका जलसा कैसा था और मिनिमम मैक्सिमम कितनी पब्लिक आई थी? जलसे का मैं बता दूं कि हम 2 घंटे तो बाहर फंसे रहे, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में ये पहला जलसा है कि जिसमें हम जलसा गाह पहुंच नहीं सकें, तो और हम पिंडी के रहने वाले हैं, तो हम कोई भी जलसा गाह कोई छोटी बड़ी प्रोटेस्ट की कॉलम छोड़ते नहीं हैं। तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि आज हम जलसा गाह पहुँच नहीं सके, बट एट द सेम टाइम हम बहुत खुश हैं कि हमें जगह नहीं मिली है। मतलब इतनी आवाम आई है, आवाम का समंदर है कि चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स आए हैं। बिल्कुल जी, धड़ल्ले से करनी है, बहुत सेफ महसूस करके करनी है। मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी कोई प्रोटेस्ट कॉल या कोई भी जलसे की कॉल मिस नहीं करती और हमेशा सेफ फील करती हूँ। और इसमें बिल्कुल मैं ये पीटीआई के वर्कर्स और तंजीम को मैं इस चीज़ की दाद दूंगी कि उन्होंने वर्कर्स को और सब आवाम को ऐसे ट्रेन कर दिया कि मुझे लगता है इतना डिसिप्लिन और इतने मैनर्स का ख्याल रखा जाता है कि हम औरतें कभी भी अनसेफ फील नहीं करती। तो अगर आप लोगों में से कोई अगर पहली दफ़ा आएगा या नेक्स्ट टाइम आएगा तो ज़रूर आप लोग कॉन्फिडेंस से आएँ और आप लोग बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं करें।